सबसे पहले बात करेंगे महोबा की, जहां समाचार प्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलते ही नप गया गुंडा सिपाही कुलभूषण परिहार। समाचार प्लस ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी खबर, और उसके बाद समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर यह हुआ है कि खबर चलने के बाद गुंडा सिपाही कुलभूषण परिहार नप गया है, सस्पेंड किया गया है गुंडा सिपाही कुलभूषण परिहार। हाईवे पर बने ढाबे पर गुंडे सिपाही ने जमकर बवाल काटा था। ढाबा मालिक के रुपए मांगने पर बौखलाए सिपाही ने हंगामा किया था। रुपए मांगने पर सातवें आसमान पर पहुंचा सिपाही का पारा। गुंडे सिपाही ने अधिकारियों को दी थी भद्दी भद्दी गालियां, वर्दी के नशे में चूर सिपाही ने हाईवे पर मचाया था जमकर तांडव। पनवाड़ी थाने में मुंशी पद पर तैनात था कुलभूषण परिहार, जिसको सस्पेंड कर दिया गया। समाचार प्लस ने ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखाई थी, प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी किस तरीके से कुलभूषण परिहार ने जमकर ढाबे पर हंगामा किया था, अधिकारियों को बद्दी बद्दी गालियां दी थी। समाचार प्लस की खबर का असर और गुंडे सिपाही पर हुई है कार्रवाई। तुम्हारी कप्तान के पास, कप्तान नहीं, हाँ डीआईजी के पास पहुँचा तू। डीआईजी के पास पहुँचे, डीआईजी ने डीआईजी के पास पहुँचे, डीयूपी के पास पहुँचे, तुम तो अपनी किसी के सुनते हैं नहीं साहब। इस तरीके से नहीं आता, कोई भी आके गाली बके यहाँ होटल में बताओ ले जाओगे। चलो बैठो, ले मैं सिपाही में बैठ गया और बैठा लो तुम, ये गलत बेन लगा रहे ना। तो इस पर समाचार प्रेस की खबर का असर और गुंडे सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। बात करते हैं एटा की, जहां सिरफिरे युवक ने स्कूल जा रही छात्रा को मारी गोली। तो सिरफिरे युवक ने स्कूल जा रही एक छात्रा को गोली मार दी। छात्रा को गोली मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी की। आपको बता दें सिरफिरे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सिरफिरे युवक की यह करतूत एक्सक्लूसिवली एटा से, जहां पर एक सिरफिरे युवक ने स्कूल जा रही छात्रा को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्रा स्कूल जा रही थी और इसी दौरान मौके पर पहुंचा यह सिरफिरा युवक, जिसने पहले तो छात्रा को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। युवक की मौके पर ही मौत हुई। अलीगंज थाने के एलटीसी फार्म हाउस के पास का यह मामला है। घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे युवक ने एलटीसी फार्म हाउस के पास से स्कूल जा रही छात्रा पर गोली चला दी। उसके बाद आरोपी युवक ने खुद को भी गोली मार ली। आरोपी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। छात्रा ने आगरा जाते समय अपना दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर इस कदम के पीछे वजह क्या थी, आखिर ये पूरा मामला था क्या। बढ़ते आगे और बात बरेली की, जहां व्यापारी के बेटे के अपहरण से सनसनी फैल गई है। कल शाम ट्यूशन से लौटते वक्त हुआ अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी, रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर मांगी फिरौती। प्रेमनगर थाना क्षेत्र से हुई अपहरण की ये वारदात। तो अपहरणकर्ताओं ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी व्हाट्सएप के जरिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुपए नहीं देने पर अपहरणकर्ताओं की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है। तो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर फिरौती मांगी गई अपहरणकर्ताओं की तरफ से। कल शाम ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था अपने घर प्रेमनगर थाना क्षेत्र से, यह वारदात हुई है। व्यापारी के बेटे के अपहरण से फैल गई है सनसनी। और अब बात देवरिया की, जहां मौका मिला और टप्पेबाज ने थैला कर दिया पार। जी हां, देवरिया का यह मामला है जहां पर मौका मिलने पर एक टप्पेबाज ने थैला पार कर दिया। दुकान के काउंटर पर रखा था यह थैला, जिसको लेकर टप्पेबाज फरार हो गया। बैग में थे 2.5 लाख रुपए। सीसीटीवी में कैद टप्पेबाजी की ये लाइव तस्वीरें हम आपको अब से कुछ ही सेकंड्स में दिखाएंगे, किस तरीके से एक टप्पेबाज ने देखते ही देखते थैले को पार कर लिया जो कि दुकान पर रखा था। ये देखिए, ये टप्पेबाज जैसे ये शख्स निकलता है फौरन आता है आराम से और एकदम से लेके यहां से फरार हो जाता है। 2.5 लाख रुपए बताया जा रहे हैं इस थैले में। एक बार फिर से देखिए, एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, थैला रखा 2.5 लाख रुपए से भरा और उस थैले को लेकर चलता बना ये टप्पेबाज। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। देवरिया के मामला है जहां पर मौका मिलते ही टप्पेबाज ने थैला पार कर लिया। हालांकि ये पहले खड़ा हुआ था वहां पर पड़ोस की दुकान में और शायद इंतजार कर रहा था कि जैसे ही इसको मौका मिले और ये रुपयों पर अपना हाथ साफ करे। और फिर जैसे ही इसको मौका मिला टप्पेबाज पहुंचा,
फटाफट से उठाया बैग और मौके से फरार हो गया। और अब लखीमपुर खीरी की, जहां पुलिस प्रताड़ना से परेशान परिवार के पलायन का मामला, आईजी लखनऊ रेंज ने दिए मामले की जांच के आदेश। 4 दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। बाइक चोरी के आरोप में युवक को 3 दिन तक बैठाया गया था थाने में। युवक के घर में घुसकर पुलिस ने जमकर की थी तोड़फोड़। रुपए के लालच में पुलिस ने परिवार पर ढाया सितम। दबंग प्रधान और पुलिस से परेशान परिवार ने किया पलायन। लखीमपुर के एक गांव में पुलिस और दबंग प्रधान ने परिवार के एक शख्स को इस कदर प्रताड़ित किया कि परिवार अपना सामान बांधकर गांव से पलायन कर गया। बाइक चोरी से जुड़े मामले में दबंग प्रधान और पुलिस ने एक युवक को 3 दिन तक जबरन थाने में बैठाए रखा और बाइक जल्द वापस करने की चेतावनी दी। पुलिस की मिलीभगत से पुरुषों को ही नहीं, इस परिवार की महिलाओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे व्यथित परिवार ने पलायन करने का फैसला लिया। मामले के मीडिया में आते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और आईजी लखनऊ रेंज ने मामले की जांच के आदेश दिए और तत्पर कार्रवाई करते हुए 4 दिन में मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। तो पुलिस और दबंग प्रधान की प्रताड़ना के चलते ये परिवार पलायन कर गया। एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी का ये मामला। बाइक चोरी का एक मसला था जिसको लेकर युवक को 3 दिन तक पहले तो थाने में बिठाए रखा और फिर उसके बाद से लगातार प्रताड़ना दी जा रही थी युवक और उसके परिवार को। न सिर्फ पुरुषों को प्रताड़ित कर रही थी पुलिस, बल्कि महिलाओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर परिवार यहां से पलायन कर गया। ये मसला जब मीडिया में आया तो अब आईजी की तरफ से इस पूरे मामले में 4 दिन में जांच रिपोर्ट को तलब किया गया है। बढ़ते आगे, उधर उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कानपुर पुलिस के 2 थानेदार एक लावारिस लाश की पड़ताल करने की बजाय इस बात में उलझ गए कि ये इलाका उनके अधीन नहीं आता, और ऐसे में पुलिस अपराधियों को कैसे पकड़ पाएगी, ये बड़ा सवाल है। जिंदगी से बढ़कर है कानून, यहाँ जान से बढ़कर है जांच। सीमा विवाद में उलझी यूपी पुलिस, जांच से पहले जमीन की पैमाइश। यह है उत्तर प्रदेश की भटकी और पिछड़ी पुलिस, जो जांच के नाम पर जांच से ही भटक जाती है। जांच के लिए जो कुछ करना चाहिए वो नहीं करती, बल्कि आज भी पुराने ढर्रे पर ही काम करने में यकीन करती है। चलिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। कुछ समझ में आया आपको? नहीं ना? चलिए आपकी उलझन हम दूर कर देंगे। यहाँ पुलिस जमीन की पैमाइश करवा रही है, पता कर रही है कि ये जगह 2 पुलिस थानों में से किसके अधीन आता है। जब आप केस के बारे में सुनेंगे तो हैरान जाएंगे। ये इलाका कानपुर का है और पुलिस को यहाँ एक बोरी में लाश मिलने की सूचना मिली। इस पर तुरंत कार्रवाई हुई, उसकी जगह 2 थानों की पुलिस इस बात पर भिड़ गई कि ये इलाका उसके अधीन नहीं आता। चौबेपुर और बेटूर के थानेदार इस बात पर बहस करने लगे कि ये मेरे इलाके के अधीन नहीं आता। लाश को कब्जे में लेने से पहले जमीन की पैमाइश के लिए लेखपाल को बुलाया गया। इस बीच 2 दिन तक लाश सड़ती रही। दूसरी ओर जहां बोरे में बंद लावारिश लाश मिली, वहां के रहने वाले खासे परेशान रहे। वो लाश से उठ रही बदबू को 2 दिनों तक झेलते रहे और पुलिस अपने सीमा विवाद को भी सुलझाने में उलझी रही। मामला यह है कि हम लोगों को जब यहाँ पुलिस मौके पे मंदना चौकी पुलिस पहुंची तो हम लोगों को बुलाया गया कि थोड़ा सा कि किस सीमा में है, तो हम और कुकरादेव प्रधान जी और पचोर प्रधान जी सब लोग वहाँ मौके पर पहुंचे, तो वहाँ एक डेड बॉडी बोरी में पड़ी हुई थी। तो फिर यह सीमा विवाद लेखपाल आए, उनके द्वारा सीमा विवाद का निर्धारण हो गया। लेखपाल ने तहसील की किताबें देखकर जंजीर से जमीन की नाप जोक की और बताया कि उक्त खेत बिठूर पुलिस थाने की सीमा में आता है। इसके बाद ही बिठूर के थानेदार ने लाश का पंचनामे का काम शुरू किया। तो वो जो नाला था वहाँ पे जो है एक डेड बॉडी पूर्व में लोगों द्वारा बताया गया कि महीनों से पुरानी सड़ी पड़ी हुई थी, जिसके जो है शिनाख्त के लिए बुलाया गया कि ये किस किस शरद में है।
वहाँ पे जो है मौके पे नाप कर निशानदेही की गई, जिसमें पाया गया कि जो है वो डेड बॉडी इसमें जो है बिठूर थाने की है, कुकरादेव लेखपाल क्षेत्र में पाई गई। इस पूरे प्रकरण में केवल थानेदारों को दोष देना ठीक नहीं होगा, इसमें बड़े अधिकारियों की भूमिका भी कुछ कम नहीं है। डिप्टी एसपी साहब का बयान सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कुछ इस तरह का नहीं था, लेखपाल का बुलाने का मतलब ये था कि चूंकि वो कानूनी कार्रवाई करनी थी, जिस भी थाने में आता वो कानूनी कार्रवाई करनी थी उसपे, तो हमारे बिठूर क्षेत्र में आया तो बिठूर क्षेत्र के लोगों ने उसपे कानूनी कार्रवाई किया। अब जरा सोचिए कि जो पुलिस किसी केस की जांच से पहले इस बात में ही उलझ कर रह जाए कि ये इलाका उसका है या फिर नहीं, तो कितनी मुस्तैदी से जांच कर पाएगी। ऐसे में होने वाली देरी का फायदा अपराधी आसानी से उठा ले जाएंगे, और यही वजह है यूपी की पुलिस अपराधियों से पिछड़ जाती है और हाथ मलती रह जाती है। अश्विनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। आईएस अनुराग तिवारी मौत मामले में सीबीआई के हाथ जल्द होगी फोरेंसिक रिपोर्ट। आपको बता दें, चंडीगढ़ में फोरेंसिक लैब में पहुंची सीबीआई की चिट्ठी, 5 दिनों के भीतर अनुराग की मौत के कारण साफ हो जाएंगे। 2 गेस्ट हाउस कर्मी, 2 दुकानदारों से भी पूछताछ की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस की कोताही भी सीबीआई के सामने आई, पुलिस की लापरवाही भी मामले को उलझाने का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। सीबीआई अपनी रिपोर्ट में लखनऊ पुलिस पर भी कर रही है टिप्पणी, लेकिन 5 दिनों के भीतर अनुराग की मौत के कारण साफ हो जाएंगे रिपोर्ट के साथ। कैडर के आईएएस अनुराग तिवारी की मौत के मामले में जहां सीबीआई पूरी जांच कर रही है, वहीं सीबीआई के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज और सुराग भी मिले हैं जिससे अनुराग तिवारी की मौत की गुत्थी सुलझने को है। चंडीगढ़ में फॉरेंसिक लैब में सीबीआई के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने की बात कही है, और तकरीबन 5 दिन के भीतर अनुराग तिवारी की मौत की वजह भी साफ होगी। लेकिन इसी में लखनऊ पुलिस की कमियां और लखनऊ पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सीबीआई ने अपनी केस डायरी में टिप्पणियां लिखी है। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में लखनऊ पुलिस के अधिकारियों की मुश्किलें इसकी वजह से बढ़ भी सकती है। कैमरामैन मानस के साथ अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। और इस बीच लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रांसफर को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था ने खुद की थी पेशकश। सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि ट्रांसफर को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था ने खुद पेशकश की थी। एडीजी कानून व्यवस्था आदित्य मिश्रा ने की थी पेशकश, ट्रांसफर को लेकर डीजीपी से की थी पेशकश। जोन में एडीजी पोस्ट होने से काम में आ रही थी परेशानी, सीनियर जूनियर को लेकर सूचनाओं के आदान प्रदान में मुश्किल, आईपीएस को एडीजी को रिपोर्ट करने में हो रही थी परेशानी, जिसके चलते खुद एडीजी की तरफ से ट्रांसफर की पेशकश की गई थी। सहारनपुर मामले में एडीजी रेंज ने किया था सूचित, एडीजी कानून व्यवस्था को घटना के बारे में नहीं बताया था, यह भी सूत्र बता रहे हैं। अचानक सीएम ने फोन कर एडीजी कानून व्यवस्था से जानकारी ली, जबकि एडीजी जोन ने एडीजी कानून व्यवस्था को नहीं दी थी जानकारी, जिसके बाद खुद एडीजी की तरफ से पेशकश की गई ट्रांसफर की। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर यह कि तालमेल नहीं बन पा रहा था, जिसके चलते खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, और फिर ट्रांसफर को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था ने खुद पेशकश कर दी। सूत्र ये बता रहे हैं कि एडीजी कानून व्यवस्था आदित्य मिश्रा ने पेशकश की थी ट्रांसफर की, ट्रांसफर को लेकर डीजीपी से पेशकश की थी। जोन में एडीजी पोस्ट होने से काम में आ रही थी खासी परेशानी, सीनियर जूनियर को लेकर सूचनाओं के आदान प्रदान में भी मुश्किलें पेश आ रही थी, आईपीएस को एडीजी को रिपोर्ट करने में हो रही थी परेशानी, जिसके चलते एडीजी कानून व्यवस्था की तरफ से पेशकश की गई ट्रांसफर की। और अब फैजाबाद की, जहां समस्या के समाधान की जगह जहर खाने की नसीहत, फरियादी से एसडीएम अवधेश बहादुर सिंह बोले खा लो जहर। एसडीएम के तीखे बोल से आहत फरियादी ने खुदकुशी की कोशिश की, फरियादी के आत्मदाह की कोशिश से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। सीएम साहब, ऐसे में सिस्टम से उठ जाएगा फरियादियों का विश्वास, जहां ऐसे ऐसे एसडीएम तैनात हैं जो खुद फरियादियों की बात सुनने की बजाय उनको खुदकुशी की सलाह देते हैं। फैजाबाद के सुहावल तहसील परिसर में एक फरियादी के आत्महत्या के प्रयास की खबर से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, आनंद फार्म में पुलिस ने फरियादी श्यामलाल को कस्टडी में लिया। असल में फरियादी श्यामलाल का आरोप यह है कि एसडीएम अवधेश बहादुर सिंह ने समस्या
सुलझाने के बजाय ये कहकर भगा दिया कि अगर तुम अपना खेत नहीं संभाल सकते तो जाकर जहर खा लो। जिसके बाद फरियादी इतना आहत हुआ कि वो तहसील में मौत को गले लगाने दौड़ पड़ा। इस घटना के बाद तहसील परिसर में हंगामा मच गया। हालांकि बाद में लोगों ने फरियादी को किसी तरह से समझाकर एसडीएम से फिर मुलाकात कराई, जिसके बाद एसडीएम ने पुलिस को फरियादी की समस्या सुलझाने का आदेश दिया। लेकिन ये नौबत क्यों आई, बड़ा सवाल खड़ा होता है। सीएम साहब को भी देखना होगा आखिर ऐसे कैसे चलेगा काम, कैसे लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचेंगे। ऐसे में तो प्रशासन से ही उठ जाएगा विश्वास फरियादियों का। ये मामला वाकई हैरान करने वाला है और चौंकाने वाला भी। एक्सक्लूसिवली फैजाबाद से। वहां पे कल्लू खा प्रधान के भतीजे हमारी खेती चलाते हैं और हम 26 तारीख को उनकी बकरी गांव में हका दिए। 10-12 लोग आकर के हमें डंडा लेके मारने के तुले, और जब मारने के तुले तो हम जो है वहां जाकर के कहने लगे, थाने पे 26 को लिख के दिया, थानेदार आज तक कोई फरियाद नहीं किए। हम 6 तारीख को एसएसपी साहब को लिखे, कोई नहीं सुनता। आज मैं तहसील दिवस में आ रहा, अधिकारी कह रहे हैं कि तुम्हें जहर खा के मर जाना चाहिए। कौन अधिकारी था? वही जो बैठे हमारी, हम नाम नहीं जानते। बढ़ते आगे और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर से मिल रही है। मजाक बनकर रह गया तहसील दिवस। जी हाँ, भटकते रहे फरियादी, मस्ती में दिखे अधिकारी, कोई मोबाइल में व्यस्त तो कोई गहरी नींद लेता नजर आया। मोबाइल में मस्त दिखे सब इंस्पेक्टर पीके सिंह, शिकायतों की फिक्र की जगह नींद में खोए दिखे अधिकारी। एक्सक्लूसिवली आपके सामने देखे सोते अधिकारियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तहसील दिवस जहां पर लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ शिकायतों की फिक्र कहाँ है। नींद में कोई दिखे अधिकारी, कोई मोबाइल में व्यस्त नजर आया तो कहीं अधिकारी सोते दिखाई दिए। एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ यही की तस्वीर नहीं है, अक्सर तहसील दिवस जनता दरबार में इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, जहां पर जनता की समस्याओं से इतर मोबाइल में खेलते हुए नजर आते हैं अधिकारी, तो कहीं सोते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में कैसे समस्याओं का निदान होगा। ऐसे में तो तहसील दिवस मजाक बनकर रह गया। सीतापुर से एक्सक्लूसिवली आपके सामने। और अब आप मेरठ की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है, कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर लाखों की ठगी को दिया गया अंजाम। मेरठ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर यह वारदात हुई है। कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर लाखों की ठगी को अंजाम दिया गया। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का रहने वाला है पीड़ित। घर बैठे अमिताभ बच्चन के सवाल का दिया था जवाब। अमिताभ बच्चन के बंगले पर लाखों की रकम देने का आरोप कई साल से पीड़ित काट रहा है। अधिकारियों के चक इंसाफ नहीं मिलने पर पीएम सीएम और गृह मंत्री से लगाई न्याय की गुहार, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पाई है। कई साल बीत चुके हैं, पीड़ित लगातार कोशिश कर रहा है कि उसे मदद मिल जाए, उसकी गुहार सुन ली जाए, उसे इंसाफ मिल जाए, लेकिन इंसाफ नहीं मिलने पर पीएम सीएम और गृह मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। सपा सरकार में रहे विधायक और उनके ही जिला पंचायत अध्यक्ष बेटे को पुलिस ने हिस्ट्री शीटर करार दिया है। आपको बता दें, मुलायम सिंह के समधी और सपा सरकार में विधायक रहे अरियोम यादव और उनके बेटे विजय यादव पर कई मामले दर्ज थे, लेकिन सरकार में रहते पुलिस अधिकारियों के साथ साथ कर सभी रिकॉर्ड्स गायब करवा दिए थे। इसके बाद बीजेपी सरकार में पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए और आरोपों के आधार पर विधायक और उनके बेटे को हिस्ट्री शीट पर घोषित कर दिया गया है। सरकार के आते ही इसकी जांच शुरू हुई है और जांच में प्रथम दृष्टया जो पाया गया है कि उसमें जो है जो कुछ पुलिस अधिकारियों ने सपा नेता के साथ मिलकर के जीडी में छेड़छाड़ करने की कोशिश की और आपराधिक इतिहास को जला करके नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा कोई भी गुनाह हो वो अपने सबूत छोड़ता है और निश्चित रूप से गुनाहगार पकड़ा जाता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही अधिकारियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। वर्तमान माननीय विधायक और उनके सुपुत्र दोनों की हिस्ट्री शीट को जलाकर नष्ट किया गया था। इसका मैंने संज्ञान लिया और इसकी जांच करा रहा हूँ। ये जांच इस समय अपनी सिटी